चले जो कल शुरुआत की थी हमने किसकी वॉब चैप्टर की है, और वॉब चैप्टर में हमने जाना था कि वॉब जो है आपके मतलब क्या होता है, वॉब का मतलब है आपका जो डूइंग और बीइंग समथिंग होता है, ठीक है, जो करने या होने को दिखाया उसको हम वॉब कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। और मेरे लिए बताया था दो तरह का वर्ब होता है आपका, एक होता है मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद भी एग्जी वर्ब को भी तीन पार्टों में बांटा था, क्योंकि बताया था कि एग्जी वर्ब जो होती है वो आपकी टोटल 24 है, ठीक है, टोटल आपकी 24 है, और तीन भागों में हमने बांटा था। और वो तीन जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे, चलो यू टेल, हाँ बताओ क्या नाम है तुम्हारा, हाँ यू शिवम बताओ कौन से थे वो तीन पार्ट, सब पार्ट कौन से थे जिनको एग्जी वर्ब में हमने बांटा था। हाँ कौन कौन से, प्रशांत सर प्रिंसिपल मॉडल और सेम मॉडल, प्रिंसिपल मॉडल और सेम मॉडल, प्रिंसिपल कितने वर्ब थे सर, कौन कौन से, डू डस डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव गुड, क्लैप फॉर योर वेबसाइट। हाउ यू, मॉडल्स कितने थे, टर्नर बुक खोल रखा है क्या, बंद करा इसे, अरे चीटिंग, हाँ लास्ट कौन कौन से, कैन कोड विल वुड सेल सोड, और हाँ दुष्यंत कराए ना, हाँ विल वुड, विल वुड सेल सोड कैन कुल मे माई मस्ट आउट, अच्छा क्या बात है, चले तो क्लब फिर वेबसाइट, हाँ सेमी मॉडल्स कितने थे, तीन, कौन कौन से, यस अंजू सर, डेल, डेल डेल कंपनी, डेल नहीं डेल, डेल चलो जी, हाँ डेल नीड और यूज टू, यस सर, का सर दो ही तो बोले थे, दो ही तो बोले थे, हमने पूछे कितने थे का, हमने क्या 90 इसमें पूछे थे, हमने तीन तो सारे पूछे सर, व्हाट सेमी मॉडल्स, सेमी, अरे सेमी मॉडल्स कितने में, 90 चलिए तुमको बताया था प्रिंसिपल एक्टिव वर्ब जो होते आपके वो 11 होते हैं, डू डज डिड और हैज हैव हैड इज एम आर वाज वर, और उसके बाद मॉडल्स, मॉडल में था आपका विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट हाउ टू, सेमी मॉडल्स में था आपका डेयर नीड यूज टू, ये था टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद तुमको बताया था कि रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसमें आपको कुछ इस तरीके से करवाया था V1 V2 V3 V4 V5 इस तरीके से है। आखिर रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब को आखिर हमने ऐसे क्यों किया, उसकी जरूरत हमको क्या पड़ी, ठीक है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और याद रखना कि वर्ब की जो फॉर्म चलती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब के अपने रूप होते हैं और वो जो होते हैं ना वो पांच होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा बचपन में वर्ब का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके, तो थर्ड फॉर्म तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी क्या मतलब, ये V1 जो मैंने करा था इसको मैंने वर्ब को शॉर्ट में लिखा आपका V, ठीक है, V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहला फॉर्म, नेक्स्ट आपको लिखा था V2 का मतलब है आपका सेकंड फॉर्म, और उसके बाद लिखा था V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो लिखा B4, आखिर ये B4 देखो कौन सी वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म ना आपने ऐसे पढ़ी होगी कि भाई आप V1 में ING लगा दे, ING फॉर्म करके पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये B4 का मतलब होता है B1 प्लस ING, यानी इसका मतलब है आपका V1 प्लस ING, यानी वो आपका फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दे तो वो आपका B4 बन जाता है। इसके बाद है आपका V5 आपने पढ़ा होगा SAES फॉर्म करके, अगर नहीं पढ़ा होगा तो चिंता ना करो, V5 कुछ नया नहीं होता, V5 का मतलब है V1 में आप SAES लगा देना वो आपका बन जाता है V5, उसको कहते हैं V5। तो ये पांच फॉर्म होती है और इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है आपके टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, नरेशन बनाने में,
इसको भी हम जानने का प्रयास करें आखिर इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था उसमें क्या देखा था, जैसे मान लीजिएगा टू बी फॉर्म देखा था, सबसे पहले हमने टू बी फॉर्म देखा था, सबसे पहले हमारा टू बी फॉर्म था, ठीक है, टू बी। और वर्ब टू बी का मतलब हमने तुमको बताया था, वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, ऐसे कुछ कहा हमने। और इसमें आपको लिखाया था, बी वन में हमने लिखाया था एम आर, ठीक, यही लिखाया था। इसमें लिखाया था आपको वॉज वर, और इसमें जो आपको लिखाया था वो क्या लिखाया था, इसमें लिखाया था आपको बीन, इसमें लिखाया था आपको बीन, और इसमें लिखाया था आपको इस, ऐसा कुछ लिखाया था, ठीक है। और इनके बारे में ना कुछ मैंने बातें भी कही थी इनके बारे में, इनके ऊपर मैंने कुछ लिखाया था बातें, और मैंने कहा था बस थोड़ा सा इसको क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी तो यूज कैसे करना वो बात की बात है, ठीक है, वो सेकेंडरी थिंग है, वो भी बाद में हम बता देंगे। तो मैंने वी1 के कुछ ऊपर लिखा था, वो क्या लिखा था बताओ, चलो सपना वी1 के प्रेजेंट प्रेजेंट प्लूरल लिखा था, चलिए गुड। यानी इसके ऊपर जो लिखा था हमने वो लिखा था प्रेजेंट प्लूरल, ऐसा कुछ लिखा था हमने। और आरती वी2 के ऊपर पास्ट, पास्ट और क्या लिखा था, ए बोला नहीं पहले बोलेगा और ए, हाँ बोलो क्या लिखा था, और हाँ अमरजीत बोलो कुछ, अजय सिंगुलर प्लूरल, यानी प्लस माइनस दोनों का आता है, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी इसमें, यानी दोनों आता है आपका, ठीक है, यानी प्लस माइनस दोनों होगा इसमें, यानी इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। पढ़ जाइए वी3 के बारे में क्या बताया था मंजू, पास्ट परफेक्ट बताया था, इसमें क्या बताया था प्रिया, परफेक्ट, परफेक्ट बोला था, बार पास परफेक्ट कहाँ से आ गया, परफेक्ट। बैठ जाओ ध्यान में लगाओ बिल्कुल भी है। शुभम बिफोर के ऊपर क्या बताया था, क्या बोला था बिफोर के ऊपर, क्या बोला था दूसरा बिफोर के ऊपर, देख रहा है सर तो बता, नहीं देख रहा ना पता, अरे अल्लाह रे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो छोड़ दी, ये तो खराबी है, एक भी क्लास मिस नहीं करना, अगर एक क्लास मिस किया बात खराब हो जाएगी। हाँ बिफोर का मतलब था कंटिन्यूस, इसको ऊपर लिखा था कंटिन्यूस। अगर कल भी नहीं आयो ना याद रखना, कोई इशू मत करना, आज वो सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, कल तो सिर्फ लिखाया था समझाने का, समझाने का नंबर तो आज ही है, बैठ जाओ ठीक है। बाकी उस टेबल को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है दूसरे के से, और जहाँ जो चीज आज यहाँ समझाने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। हाँ तो इसके आगे बच्चा आपका अभी फाइव, चलो अभी फाइव बताओ, चलो प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर तो याद आ गया कि देख लेते पर मार लिया, नो सर याद आ गया, चलो अच्छी बात है, लड़ने क्यों आ रहे, बैठ जाओ। चलिए तो अभी फाइव का मतलब क्या होता है आपका, प्रेजेंट सिंगुलर, यानी इसका मतलब होता है आपका प्रेजेंट सिंगुलर। तो इस तरीके से तुमको ये हमने बताया कि वर्ब का नाम पांच फॉर्म होता है, और ये जो आपको लिखाना है वर्ब टू बी मतलब होना, और ये आपके पांचों फॉर्म हमने यहाँ लिख दी, पांचों फॉर्म होती है वर्ब की टू बी की, ठीक है। आखिर हमने ये कहा था कि रोल ऑफ एग्जी वर्ब, आखिर एग्जी वर्ब क्या है, तो याद रखना एग्जी वर्ब की अगर हम बात करें, रोल ऑफ एग्जी वर्ब की जब बात आती है, रोल ऑफ एग्जी वर्ब, तो याद रखिएगा जो रोल ऑफ एग्जी वर्ब ना, इसका दोनों काम होता है, दोनों क्या क्या होता है, ये आपका एच वी का भी काम करती है और एम बी का भी, एच वी और एम बी यानी मेन वर्ब का भी काम करती है। इसको पूरा लिख के देते हैं, ठीक है, फिलहाल एक बार पूरा लिख देते, उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे, यानी ये आपके मेन वर्ब का भी काम करेगी और आपके काम करेगी हेल्पिंग वर्ब का भी, यानी दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी, दोनों का काम करती है, ठीक है। जो आपका एग्जिटिव वर्ब होती है, यानी रोल ऑफ एग्जिटिव वर्ब की बात करें, तो ये तुम्हारा दोनों का काम करेगी, यानी मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी, दोनों का काम करेगी। अब बात आती है कि भाई मेन वर्ब क्या होगी और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इन दोनों में अंतर क्या मिलेगा देखने के लिए है, ये कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए ना कोई नई बात नहीं है, याद रखिएगा जो एग्जिटिव वर्ब है ना, ये टोटल कितनी होती है, 24 होती है टोटल, तो याद रखिएगा यही आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, इसके अलावा कोई वर्ब होगी तो बोलो सारी की सारी वो क्या होगी, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी नहीं होगी भाई, एक बार को आप कह सकते हैं जब वो टोटल 24 आपको लिखाया है एग्जिटिव वर्ब, वो सारी की सारी क्या होती है, एक बार वो कह सकते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उन 24 के अलावा जो भी वर्ब दिखे आंख बंद करके कह देना है मेन वर्ब है, एक बात हो गई,
दूसरी बात ये भी है कि एग्जी वर्ब जो है वो आपका मेन वर्ब पर काम करती है। तो अब आप फिर कैसे पहचानोगे, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, वो भी आपको बताने वाले हैं। क्या करना है आपको, कैसे समझना है उनको, यानी जब याद रखिएगा अगर इसका हम 2020 करवा दें, ठीक है, मेन वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब, आखिर दोनों में क्या अंतर होता है, तो अंतर तो ये जान लो पहले, अंतर तो बात की बात है, हेल्पिंग वर्ब कितनी है मात्र टोटल 24, तो याद रखना। अब ये आखिर होता क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या मतलब है, मेन वर्ब का मतलब है मास्टर वर्ब, जो मालिक की तरह काम करती है, मेन बोले तो मास्टर, मास्टर वर्ब जो मास्टर की तरह काम करती है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो नौकर के रूप में काम करती है, ठीक है, जो हेल्पर बन करके रहती है, हेल्पिंग यानी एक ऐसी वर्ब जो मदद करती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, जो मदद करती है, जो टेंस को पहचानने में शो करती है, मतलब मदद करती है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वो कैसे कैसे करती है वो बात की बात है, फिलहाल आप अंतर करना भी जान जाएंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिएगा मैं दो सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर, मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर। याद रखिएगा दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना मेन वर्ब का नहीं होगा, ये याद रखना है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो तो बोलो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, बोलो तीन चीजें आ रही है इसके अंदर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, बोलो वर्ब इसमें सिर्फ एक ही है और क्या है, ये इज है, इज है कि नहीं, तो बोलो एक बार को आंख बंद करके कह सकते हैं कि जो इज है ये बोलो 24 की कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है, भाई 24 में शामिल है, यानी जो 24 मैंने आपको लिखाया है उसके सब पार्ट प्रिंसिपल एग्जी वर्ब में आती है ये, और जब आती है तो बोलो एक बार को आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। बट याद रखिएगा एक बार को आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके बाद भी ना चेक कर लेना है, क्या चेक करना है, अगर इसके अलावा कोई और वर्ब आ रही है, अगर इसके अलावा कोई और वर्ब मौजूद है सेंटेंस में, तो याद रखना ये मेन वर्ब है, मतलब सॉरी अगर इसके अलावा कोई और वर्ब मौजूद है तो याद रखना ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं है तो ये मास्टर वर्ब है। यानी क्या मतलब, अगर ये मौजूद है और इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब कोई और वर्ब नहीं दे रखी है, कोई और वर्ब नहीं दे रखी है, तो याद रखना वो आपकी ये जो काम करेगी मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, लेकिन अगर कोई वर्ब और दे रखी है तो ये आपके हेल्पिंग के रूप में काम करेगी, इस चीज को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो अब बोलो इज है, इसके अलावा कोई और वर्ब दे रखी है यहाँ पर क्या, कोई और वर्ब है इसमें मौजूद, तो जब नहीं है ना तो याद रखना यही आपकी मास्टर वर्ब है, इसी को मास्टर वर्ब कहेंगे, फिर ये आपका मेन वर्ब है। और कैसे, जैसे मान लीजिएगा या और एग्जांपल देख लो उसके बाद उसको चर्चा कर लेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मान लीजिएगा ये हमने सेंटेंस लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ही इज प्लेइंग क्रिकेट का बोलो इज आ रहा है, इज आ रहा है, तो एक बार को आंख बंद करके कह सकते हैं 24 की कैटेगरी में आती है, जब 24 की कैटेगरी में आती है एग्जी वर्ब है, तो एग्जी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको कह सकते हैं, कह दिया हेल्पिंग वर्ब, पर चेक कर लो क्या मेन वर्ब तो नहीं है, तो कैसे चेक करना है, देखो दूसरा कोई वर्ब तो नहीं आ रहा है, तो बोलो वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरा वर्ब आ रहा है ना, तो जब दूसरा वर्ब आ रहा है तो याद रखना फिर ये रियली में ही वास्तव में ही ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि दूसरा वर्ब आ रहा है, अब यहाँ पर मेन वर्ब ये है, ठीक है। वर्ब भी आपकी दो तरह की हो सकती है, ठीक है, उनको जब फॉर्म में बांटने की कोशिश करोगे, ठीक है, कभी आपका एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कैटेगरी इस तरीके से भी आप बांट सकते हैं, दो तरह के वर्ब होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो यानी ये क्या है यहाँ पर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये जो है मेन वर्ब है। अब बिल्कुल सिंपली में बिल्कुल आराम से समझे तो बिल्कुल समझ लो, जब 24 जो है जितनी भी 24 है पहले नंबर तो समझ लो जितनी वो 24 है ना जो एक्सिलरी वर्ब कहते हैं ये मान कर चलिएगा वो हेल्पिंग वर्ब ही है, एक बात हो गई, यानी वो क्या है हेल्पिंग वर्ब, वो नौकर है, ठीक है, वो नौकर के रूप में काम करती है, लेकिन वो कई बार क्या है मेन वर्ब भी बन जाती है, कब कब किस केस में बनेंगे ध्यान रखना, यानी वो 14 जो कैंडिडेट है मान लीजिएगा वो नौकर के रूप में है, वो नौकरी है, किसी के यहाँ जाकर के भी नौकरी करने लगे उनमें से कोई एक भी, ठीक है, कोई भी किसी के यहाँ काम करने लगे जाकर के, तो बोलो जब वो किसी के यहाँ जाएगा तो वहाँ मास्टर पहले से मौजूद होगा, yes, होगा ना, मान लीजिएगा तो जब मास्टर पहले मौजूद होगा तो बोलो वो नौकरी है, हेल्पर है, हेल्पर के रूप में काम करेगा, बट याद रखना वो जो मालिक है वो एक ही है, मान लीजिए उनमें से कोई भी एक गया मालिक है वो एक ही है, क्योंकि सेंटेंस जितने भी होंगे दुनिया के उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब जो आपको मिलेगी वो एक ही मिलेगी,
ठीक है, यानी एक क्लाउज में सिर्फ एक ही मिनिमम होगा, तो सेंटेंस में एक ही मिनिमम आपको मिलेगी। अब मान लीजिएगा एक ही मालिक है, एक ही नौकर है, अगर मालिक मर जाएगा तो बोलो जो हेल्पर है वही उसका क्या बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा ना। तो एक ही बेसिक चीज है, मान लीजिए मालिक था, एक ही मालिक था, एक ही नौकर था, यहाँ पर देखो एक ही ये मालिक है और एक ही नौकर है, तो एक ही नौकर है, एक ही मालिक है, तो जब तक मालिक मौजूद है तो ये क्या है, हेल्पर है, हेल्पिंग वर्ब है, तब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। और अगर ये मान लीजिए हटा लिया जाए, ठीक है, और मिनिमम ना रहे, तो जैसे यहाँ पर देखो ये ही है बस, इसके बाद कोई क्या कोई और वर्ब आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, कोई और वर्ब नहीं मौजूद है, तो बोलो ये मालिक बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यानी नौकरी क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो ये चीज समझना है, यानी ये आपके मेनवर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर बीच में अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है। यानी जब एक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में यूज की जाए, अगर उसके साथ कोई और वर्ब नहीं आ रही है तो वही मेन वर्ब है, अगर उसके साथ कोई भी वर्ब आ रही है ना तो याद रखना वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। कैसे और देख लो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आई डू माय वर्क, आई डू माय वर्क, तो बोलो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तो आई डू माय वर्क, बोलो डू जो है बोलो वो आपके एक्टिव वर्ब की कैटेगरी में है कि नहीं, है ना, तो एक बार वो आंख बंद कर कह सकते हो कि भी ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, कह सकते हो ना, और चेक कर लीजिएगा कि इसके साथ कोई और वर्ब तो मौजूद नहीं है, तो देखो जरा कोई और वर्ब आ रही है इसके साथ क्या, अरे क्या कोई वर्ब दिखाई दे रही क्या, इसके बाद नहीं है ना, कोई वर्ब नहीं है, और जब नहीं है ना तो याद रखना ये आपकी क्या होगा फिर, मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस चीज को समझने की गुस्ताखी मत करना कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे, मेन वर्ब भी बन सकती है जब इनके साथ कोई और वर्ब मौजूद नहीं होगी, वैसे जन्मजात जो है ये हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक, हमने लिखा और एग्जांपल, मान लीजिएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मान लीजिएगा हमने ये लिखा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो बोलो डू है ये, आग बन गए एक बार वो कह सकते हो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना। उसके बाद ये चेक कर लो कि क्या इसके साथ कोई और वर्ब तो मौजूद नहीं है, देखा कि इसके साथ और वर्ब मौजूद है, प्ले मौजूद है मौजूद, जब है तो फिर वास्तव में ये क्या है, अगर नहीं होती तो क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। ये होता है आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अंतर, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 24 जो है आपके टेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करेंगे, टेंस को पहचानने में मदद करेंगे, जो टोटल 24 हैं ये आपके टेंस को पहचानने में मदद करेंगे, और कैसे करेंगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो तीन बात सुनना है, यस नो, तो इतना सब कुछ क्लियर है कि यानी मेन वर्ब वर्ड से हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आप कैसे पहचाने किसी भी सेंटेंस में, बस इतना जान लीजिए पहचानने का तरीका एक ही है, आंख बंद करके आपको याद में रखना है 24 को याद रखोगे क्योंकि वही हेल्पिंग वर्ब बन सकती है और कोई बन सकती नहीं, याद रखिएगा, उसके अलावा उन 24 के अलावा कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। तो जो वो सेंटेंस में होंगी जहां भी वो दिखे 24 में जो कोई भी दिखे एक बार को आंख बंद करके कह देना ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब ना, मतलब कोई और वर्ब ना दिखे, कोई और वर्ब ना दिखे, तो फिर क्या करना उसको कह देना भाई यही मेन वर्ब है, फिर भाई अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर इसके साथ कोई वर्ब मौजूद होती तो ये होती हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो इस बात में कोई आपत्ति किसी को, नो सर, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये इतनी चीजें जो है आपको ना लिख लेनी चाहिए, ठीक है, बाकी इनको यूज कैसे करना है ये अभी चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेन वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब पहले एक बार इनको लिख लीजिए, क्योंकि रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले कहा था, तो जो YouTube देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इनको टाइम दे रहा हूँ। चले तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो इतना आपने जाना कि रोल ऑफ एक्टिव वर्ब का मतलब क्या होता है, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है और उसको आप कैसे पहचानेंगे, ये आपने जान लिया। चले तो आगे बढ़ा जाए और आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब आपने एक चीज देखा कि जितने भी वर्ब होती है ना उनकी कुछ ना, मतलब उनकी ना फॉर्म होती है, सबकी फॉर्म ना 5 नंबर तक जाती है, यानी 5 तरह की फॉर्म होती है सबकी,
एक की नहीं होती, सबकी होती है, ठीक है, ये चीज आपने जान लिया। यानी ये भी क्या है, ये है आपका, ऐसे आपका सबका जाएगा, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए सबका जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा आप गो बोलेंगे, गो वर्ब है एक, इसका भी जाएगा, गो जाएगा, और फिर वेंट और गॉन, गोइंग और गोज, यानी इस तरीके से सबका जाएगा, जितनी भी वर्ब है ना उन सबका पांच फॉर्म होगा, ठीक। एक बात हो गई, दूसरी बात जान लीजिए इनके ऊपर जो लिखा है इसका मतलब क्या है। वर्ब ना आपकी पांच बनी है, लेकिन इसमें दो वर्ब हैं, जो बनी है किसके लिए, प्रेजेंट के लिए बनी है, देख लीजिए V1 और V5 दो आपकी किसके लिए बनी है, प्रेजेंट के लिए, यानी ये आपकी प्रेजेंट के लिए बनी है, दो वर्ब इसमें आपकी प्रेजेंट के लिए बनी है, और जो V1 है ना वो प्रेजेंट प्लूरल के लिए बनी है, वो उसको ट्रीट करना है एज प्लूरल, प्लूरल के रूप में ट्रीट करना है, जहां प्लूरल की बात आए वहां पर V1 का इस्तेमाल होगा। V5 बोले तो प्रेजेंट सिंगुलर, जहां सिंगुलर की बात आएगी तो वहां P5 का प्रयोग होगा, ठीक है। जहां प्रेजेंट में जरूरत पड़ेगी वी मतलब फॉर्म की सिंगुलर की तो वहां V5 का इस्तेमाल होगा, जहां जरूरत पड़ेगी प्रेजेंट में प्लूरल की तो वहां आपके V1 का इस्तेमाल होगा। V2 जो है पास्ट, और पास्ट में चाहे सिंगुलर की डिमांड आए कहीं पर चाहे प्लूरल की, एक ही लगेगा, V2 ही होता है। यानी फॉर्म आपकी प्रेजेंट के लिए दो बनी है, एक बनी है सिर्फ आपकी पास्ट के लिए। आ गया परफेक्ट, परफेक्ट में कोई टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं बनी है ये, जहां भी बात होगी परफेक्ट की, परफेक्ट बोले तो फिनिश्ड एक्शन, जो एक्शन फिनिश हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, वहां पर आपका V3 का इस्तेमाल होगा। V4 का बोला कंटिन्यूअस, ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं बनी है, ठीक है, किसी भी टाइम के लिए बनी है, किसी भी टाइम के लिए नहीं बनी है, ये आपके कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होगी, जहां पर भी काम की कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी, ठीक है, जहां भी काम का जारी होना मिलेगा वहां पर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा, ये काम होगा V4 के लिए। इतना आपने जान लिया, ठीक। चलिए अब इनको वर्ब को ना इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। जैसे तुमको मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, नॉन डूअर होता है, ये इतना तुमको कहा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि आप तुमको प्रोनाउन का टेबल पढ़ाया, और उसमें मैंने तुमको बताया कि पर्सन भी पढ़ाया, और पर्सन में आपको मैंने बताया कि उसमें ना चार वर्ड होते हैं, चार वर्ड होते हैं आई वी यू दे, जो हमेशा यूज में होते हैं, सिंगुलर और वर्ब भी क्या लगेगा अपने साथ, यूज में क्या होते हैं वो, नेचर में चाहे कैसे बोलेंगे यूज में क्या होते हैं, वर्ब भी क्या लेंगे अपने साथ, ये तुमको कहा, बाकी जितने भी बचते हैं वो सब आपके सिंगुलर होते हैं, ऐसा तुमको कहा। चलिए तो यानी चार वर्ड बताया था आई वी यू और दे, यानी ये चार वर्ड जो हैं हमेशा आपके यूज में होते हैं प्लूरल, और वह भी क्या लेंगे अपने साथ, बाकी सब आपके जो है होते हैं क्या। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो आगे तक आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, याद आपको ये रखना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा याद रखना, अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर तो याद रखना वो ना वर्ब भी ना आपकी सिंगुलर ही लेगा, ये याद रखना। अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो याद रखना वो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। इसको मैं लोग पूरा लिख लेता हूँ, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो याद रखना वर्ब भी ना वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसी का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, तो जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा गो, हमने गो लिखा, या यहाँ पे चलिए हम कुछ लिख देते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट को मान लीजिए सब्जेक्ट लिखा, एक कॉलम बना लिया सब्जेक्ट का, और एक बना लिया हमने मान लीजिएगा वर्ब का, ठीक। सब्जेक्ट में हमने लिखा मान लीजिएगा बॉय, हमने बॉय लिखा, बॉय लिखा, बॉय का मान लीजिएगा आपको बनाना है प्लूरल, तो बॉय का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही ऐसे लगा देना है, तो बॉय का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। यानी आप इसमें अगर ऐड कर दें एस या ईएस तो क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। ऐसी वर्ब को देखिएगा, मान लीजिएगा हमने लिखा गो, और जो गो है आपका ये क्या है, V1 है, और V1 है तो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट प्लूरल, यानी प्रेजेंट की जब बात आएगी तो वहां कहां होगा इस्तेमाल, प्लूरल के लिए होगा, ठीक है।
इसको मान लीजिएगा सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे पता है, इसमें भी ऐसे ये जोड़ देते हैं और ये इसका क्या बन जाएगा आपका रोज बन जाएगा। याद रखना अगर किसी सब्जेक्ट का और ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज बन सकती है आपको पता है ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या है नाउन है, अगर नाउन का अगर आप चाहते हैं कि प्लूरल बनाए तो क्या करना है उसमें आपको ऐसे ऐसे लगाना है वो आपका प्लूरल बन जाएगा ठीक। लेकिन याद रखना हर जगह ऐसा नहीं होता है कि जहाँ आप ऐसे ऐसे लगाएंगे वो आपका मान लीजिएगा प्लूरल बन जाएगा ठीक है, लेकिन 90% केस यही होता है कि आपको नाउन का प्लूरल बनाना है, आप ऐसे ऐसे लगा दीजिए आपका कोई भी नाउन आपका प्लूरल बन जाएगा 90% केस में। 10% केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ होते हैं जहाँ अलग होता है ठीक है, कुछ का मतलब जो चेंजिंग है वो अलग होता है, वो धीरे धीरे आपको जब टेंस पढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, उस चीज़ को कोई इशू नहीं करना है ठीक है। फिलहाल 90% ये जानना है कि 90% आप किसी भी नाउन में ऐसे ही ऐसे लगा दें जो सिंगुलर है आपका, उसमें आप ऐसे ही ऐसे लगा देंगे तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। और जो इसका मतलब एक बात समझ में आती है हमको कि जन्मजात से जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं सिंगुलर, और जन्मजात से जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं सिंगुलर, अगर उनका आप चाहते हैं कि उनका आप प्लूरल बना दें तो उनमें आप ऐसे ही ऐसे लगा देंगे 90% आपका बन जाएगा भाई प्लूरल। चलिए वर्ब, वर्ब जो होती है जन्मजात से याद रखना वर्ब जो है नाउन का जैसे उल्टा होती है, जन्मजात से जितनी भी वर्ब होती है ना वो सारी की सारी प्लूरल होती है जन्मजात से जितनी वर्ब, क्योंकि जो रूट है जो जड़ है वो क्या है गो, तो गो है क्या v1 और v1 जो है ये जन्मजात से आपकी होती है प्लूरल, यानी वर्ब जितनी भी होती है जन्मजात से डिक्शनरी में जितनी भी आपको वर्ब मिलेंगे वो जन्मजात वाले वर्ब मिलेंगे वो सारे की सारी जो होती है वो क्या होती है आपकी प्लूरल होती है। अगर आप उनको चाहते हैं उनको सिंगुलर बनाना तो क्या करना है, उनमें आपको ऐसे ऐसे लगाना है तो आपकी वो बन जाएंगे क्या सिंगुलर ठीक, ये काम करना है। तो यानी क्या समझ में आया, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है उसमें अगर आप ऐसे ऐसे लगा दें तो बन जाता है प्लूरल, अगर हमारा वर्ब प्लूरल है उसमें ऐसे लगा दें तो बन जाता है सिंगुलर, यानी उल्टा हो जाता है क्रॉस कनेक्शन होता है। इट मींस जैसे मान लीजिए बॉय की बात आए, अब बॉय में मान लीजिएगा कोई आपको ऑप्शन दे दे कि भाई ये दो वर्ब मैं आपको दे रहा हूँ, गो दे रहा हूँ की और गोज दे रहा हूँ, इसमें से आप क्या लगाना पसंद करोगे, इस तरीके से कोई आपको कह दे भाई बॉय में आप गो लगाओगे गोज लगाओगे तो बताइएगा बॉय क्या है आपका सिंगुलर, तो वो भी क्या लेगा सिंगुलर, ये बताओ बॉय के साथ गो जाएगा कि नहीं आएगा, गो जाएगा ना। कोई आपको कह दे बॉयज है भाई और मैं तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूँ गो है और गोज है, इनमें से आप कौन सी वर्ब लगाना पसंद करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गो क्या है v1 और v1 जो है जितनी भी जन्मजात से वर्ब होती है वो सारी की सारी क्या होती है और बॉयज भी क्या है आपका वर्ब का लेगा, इसी बात है जब सब्जेक्ट आपका अगर मान लीजिएगा पूरा होगा तो वर्ब भी कर लेगा। तो बोलो आपको ऐसे ही इसको कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब आप टाइम एंड टेंस में जाएंगे, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि भाई आप एकवचन कर्ता के साथ ये करते हैं, बहुवचन के साथ ये करते हैं, ये नहीं ये करते हैं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, बट याद रखिएगा आपको यहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको बस इन पांचों फॉर्म को याद रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा, आपको ऐसे ही इसके चक्कर पे नहीं जाना है ठीक। इतना ध्यान रखना है कि पांचों फॉर्म को आपको मतलब कीप इन माइंड करना है, ये चीज ध्यान रखना है बस आपको, यानी आपको वर्ब का फॉर्म ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही इस चक्कर से कोई लेना देना नहीं है कि एकवचन कर्ता के साथ ये करते हैं बहुवचन के साथ ये करते हैं, आपको उसको समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक। आपको जब टाइम एंड टेंस आपको पढ़ाया जाएगा आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखाया जाएगा कि दुनिया भर का पेज आप लिखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ता ती आते ये होता वो होता है, कुछ नहीं आपको ऐसा नहीं लिखाया जाएगा ठीक। चलिए तो यानी बस ये चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा प्लूरल, आपको ध्यान रखना है, आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कैसे करना वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये चीज आपने जाना कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। अब ये बताइएगा आई यू दे हैं चार वर्ड है इंग्लिश में जो होते हैं यूज में हमेशा प्लूरल ठीक है, तो वर्ब भी क्या लेगा अपने साथ प्लूरल, आई के साथ गो लगाना पसंद होगा कि गोज, गो, यू के साथ गो, वी के साथ गो, दे के साथ गो, ही के साथ गोज, गोज, गोज आएगा भाई, ही के साथ क्या आएगा गोज, राजू के साथ गोज, राहुल के साथ गोज, राहुल एंड राजू के साथ गो, गो आएगा, तो कि राहुल एंड राजू का जब जिक्र किया तो बोलो दो हो गया ना, और हमने कहा था कि नंबर को ध्यान में और रखना है, नंबर को भी देखना है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, अगर एक होगा तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल है, बताया था।
ठीक है, तो हमने बोला राहुल एंड राजू, तो भाई वो प्लूरल हो गया आपका, ठीक है, एक से ज्यादा हो गया ना, दो हो गया, ठीक है, तो एक से जो ज्यादा है वो सब प्लूरल है, तो उसके साथ आप गोल, तो बोलो इतना क्लियर हुआ। यस सर। कोई आपको कुछ ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वचनकर्ता के साथ ऐसा करते हैं, बहुवचन के साथ ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट सीधा आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वह प्लूरल लेगा, और इनको ऐसे ही यूज करना होता है, ठीक, इसी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लीजिएगा, अब एक चीज और है, आपको पहचानना है कि भैया टेंस रेंस कौन सा है, तो ये तुमको थोड़ा सा भी दिखा दे रहा हूँ, हालांकि तुमको जब आपको पढ़ाया जाएगा मैं बार बार आपको ये चीज चेक आउट कराता रहूंगा। मान लीजिए कहीं लिखा मिल जाए बॉय बोझ मिल जाए, बॉय बोझ मिल जाए, तो याद रखना टेंस को अगर आप पहचानना है तो आप वर्ब को चेक कर लीजिए, सिर्फ वर्ब को चेक करना है, जब आप चेक करेंगे तो इसको चेक करेंगे आप बी फाइव, और बी फाइव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो बोलो ये प्रेजेंट टेंस हो गया कि नहीं हो गया, खत्म कहानी, सिर्फ आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो आपको लाइव चेक दिखा देंगे करके, ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, यस नो, अगर इतना सब समझ में आ गया तो मैं चाहता हूँ कि ये लिख लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यूट्यूब देख रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए, चलिए तो इतना हमने जाना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो पांच फॉर्म होता है, B1, B2, B3, B4, B5, B1 और B5 बनाए प्रेजेंट के लिए, जहाँ प्रेजेंट की बात होगी वहाँ B1 और B5 का इस्तेमाल होगा, जहाँ पास्ट की बात होगी वहाँ B2 का इस्तेमाल होगा, और B2 जो बनाए वो पास्ट के लिए बना है, ठीक, और B3 और B4 आपका किसी भी टाइम के लिए नहीं बना है, और ये जो है आपका जहाँ B3 आपका परफेक्ट की बात होगी वहाँ B3 आएगा, जहाँ कंटिन्यूअस की बात होगी वहाँ B4 आएगा। इतना आपने जान लिया? यस सर। चलिए इतना आपने जान लिया तो आगे बढ़ा जाए, है, और एक चीज का और ध्यान रखना है V3 और V4 के बारे में, क्या ध्यान रखना है आपको V3 और V4 के बारे में ध्यान रखना कि ये ना बिना HV के नहीं आते हैं, यानी विदाउट HV ये नहीं आते हैं, Without HV, अब मैं आपको helping verb को ना short में बोलते चलूँगा, HV ध्यान रखना, ठीक है? Main verb को short में बोलते चलूँगा, MP आपको ध्यान रखना है, तो ये बिना HV के इनका इस्तेमाल नहीं होता, अगर कहीं लिखा मिले ना बिना HV के काट देना sentence को, ठीक, जहाँ ये V3 और V4 काम करें main verb के रूप में, ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है, और एक चीज को ध्यान रखना, जो भी चीज होती है वो 90% सच होती है, ठीक है, 10% को होने को तो कुछ भी हो सकता है भैया इंडिया, ठीक, चलिए जी, यानी B3 और B4 कभी भी मतलब बिना HV के नहीं आते, जैसे मान लीजिएगा कोई आपको बोल करके चला गया आई गोइंग, कोई बोल करके चला गया आई गोइंग, तो जरा एक बार बताइएगा आई गोइंग कोई बोल कर चला गया तो ये गोइंग क्या है, B4 है, और B4 बिना HV के नहीं आता, बोलो कट गया कि नहीं, कट गया भैया, आप यहाँ कुछ ना कुछ HV देना पड़ेगा ना, चाहे आप M लगाइएगा, चाहे आप वाज लगाइएगा, तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाकर के सेंटेंस आपका राइट होगा। मान लीजिएगा कोई बोल के चला गया आई गॉन, तो बोलो सेंटेंस गलत हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि गॉन क्या V3 और V3 बिना HV के नहीं आता, तो इसलिए ये भी कट जाएगा आपका, आप कुछ भी लगाइएगा, आप हैव लगाइएगा, आप हैड लगाइएगा, तब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स ये बात और हमको पता चला कि V3 और B4 बिना HV के नहीं आता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ये मेन वर्ब के साथ ये फोर्समेंट होता है कि बिना HV के आप इसको ला ही नहीं सकते हैं, और किसी वर्ब को आप ला सकते हैं बिना HV के, बट जो V3 और B4 है इसको बिना HV के नहीं ला सकते। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए तो ये चीजें चाहे तो लिख लो, आप जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो YouTube देख रहे हैं आप, लिख लो भाई जल्दी से, कॉपी पेन निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो, लो मैं साइड खड़े हो जाता हूँ। जल्दी लिखिए, चलिए तो हो गया। Yes, sir. बस इतना दो पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, V3 और B4 विदाउट HV नहीं आता है, बस इतना लिख लीजिए इतनी में समझने के लिए, V3 एंड B4 वी डू नॉट यूज विदाउट HV, ठीक है। चलिए इतनी बात होगी भाई, वर्ब की भी बात होगी, ठीक है, जितनी हमको जरूरत है टाइम एंड टेंस को वॉइस करने के लिए, नरेशन करने के लिए, इतना वर्ब को ना हमने पढ़ लिया, बाकी आपको बोला गया था कि वर्ब
को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 4-5 क्लास आपको लगता है, ठीक है, उसको आप डिटेल में आप पढ़ेंगे तो ठीक है, वो बात की बात है, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आपको एडवांस लेवल पे और ले जाया जाएगा इससे भी ज़्यादा, तब आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलिए तो अब चर्चा करेंगे, हमने क्या है सेंटेंस के हमने टाइप हमने सीख लिए, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेलेबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, सब चीज सीख लिया हमने। सेंटेंस की जब बात आई थी तो हमने क्या था, सेंटेंस में ना तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ठीक। सब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, वर्ब भी हमने टिक कर दिया, इसको भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बचा क्या अदर वर्ड, तो याद रखना अदर वर्ड में क्या आता है, अदर वर्ड में आपकी दो चीज आती है, एक तो आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट, इसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और एक आता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट गलत हो गया, कॉम्प्लीमेंट यानी दो चीजें आती है इसमें आपकी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अदर वर्ड की जब हम बात करते हैं आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, आखिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में आखिर अंतर क्या होता है, ये भी चीज जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम कैसे पहचानेंगे कि जो अदर वर्ड लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कम्प्लीमेंट है, तो देखना है, यानी जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा आपका ही, या चलिए हमने लिखा राजू, राजू ईट्स अ मैंगो, हमने लिखा राजू ईट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस हमने लिखा राजू ईट्स अ मैंगो, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, तीनों चीजें मौजूद है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े, यानी इम्पैक्ट, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े तो क्या करना, उसका नाम आप देना ऑब्जेक्ट, आप उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े तो उसको आप कहना ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर कैसे, मान लीजिए प्रभाव पड़ेगा, जरा देखिएगा, राजू ईट्स अ मैंगो, हमने कहा अभी राजू आम खाता है, अब राजू ईट्स अ मैंगो, राजू आम खाता है, तो मुझे एक बार बताइएगा जब राजू आम खाएगा तो बोलो वो फिनिश होगा कि नहीं होगा, यानी उस पर फर्क पड़ेगा ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जब राजू आम खाएगा तो वो फिनिश हो जाएगा, तो जब फनिश हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े वो आपका होता है क्या, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए और एग्जांपल देखना है, और देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा अभी ही टेक्स टी, अभी टेक्स टी बोलो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, ठीक है। अब मान लीजिएगा ही है, ही टेक्स टी है, चाय पीता है, अभी चाय पीता है तो बोलो ही का प्रभाव टी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जब पिएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी क्या ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक। चलिए और आखिर आगे कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिएगा हमने बोला ही गोस टू डैडी, ही गोस टू डैडी, हमने मान लीजिएगा ये लिखा ही गोस टू डैडी कि भैया डैडी जाता है, तो ये जो है आपका डैडी वर्ड, ये आपका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है आपका। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम कैसे मान लें, तो याद रखना जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े यानी सरपास होकर चला जाए, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े, सरपास होकर चला जाए, कैसे। अब मान लीजिएगा ही गोज टू दिल्ली, मान लीजिएगा दिल्ली जाता है, तो बोलो इसके जाने से दिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई इसके जाने से दिल्ली में ऐसे तो नहीं कि बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है ना, तो यानी इसके जाने से डैली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको आप क्या कह देंगे, कॉम्प्लीमेंट, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर पर ना पड़े वो क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट होगा। ऐसे ही और देखना है, मान लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि भाई सी Loves at night. हमने कहा she loves at night. अब मान लीजिएगा she loves at night. मान लीजिएगा ये रात को हंसती है. अब जब ये रात को हंसती है, तो बोलो इसके हंसने से
रात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इसके हंसने से, यानी क्या इसके हंसने से रात चांदी बन जाएगी? नो सर। क्या रात दिन में बदल जाएगी? नो सर। नहीं होने वाला ना ऐसा? नो। तो यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी इसके हंसने से नाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब सवेर का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक इस तरीके से। और देख लो ये आपके लिए है, आपको बताना है कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको बताना है। शी, हमने कहा शी लाफ्स, शी लाफ्स एट राजू, शी लाफ्स एट राजू, मान लीजिए शी लाफ्स एट राजू, मान लीजिए ये राजू हंसते हुए प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा? यस सर। तो प्रभाव पड़ेगा। क्यों, कैसे प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिएगा ये अगर राजू हंसती है, या तो राजू को गुस्सा आएगा अगर बुरी तरीके से हंसी होगी तो गुस्सा आएगा कि अच्छा, अगर अच्छे से हंसी होगी तो राजू के मन में लड्डू फूट पड़ेंगे, है? तो यानी प्रभाव पड़ेगा चाहे कैसा भी पड़े, ठीक है, चाहे बैड इम्पैक्ट हो चाहे गुड इम्पैक्ट हो, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा, यही पर आपको बताने वाला हूँ एक अंदर की बात, ठीक है। वो एड में तो बताने क्या क्या करते रहते हैं, अंदर की बात ये है, अरे वो तो सब बेकार है, अंदर की बात तो यहाँ है जो हम बताने जा रहे हैं। अंदर की बात ये है कि याद रखना, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो याद रखना उसी का पैसिव वॉइस बनता है, इसी का पैसिव वॉइस बनाना, इसी का ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, और जिस सेंटेंस में पैसिव वॉइस नहीं होगा ना, इसका पैसिव वॉइस बनाने का चेष्टा मत करना, यानी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ये बात अंदर की आ रहा है, आगे भी आपको सिखाया जाएगा जब आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा, बट ये याद रखना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनता है, कॉम्प्लीमेंट का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। कभी इसका भी होना लगे कि दिल्ली इज गॉन बाय हिम, दिल्ली उसके द्वारा जाया जाता है, जबरदस्ती नहीं होगा, नहीं चलेगा, ठीक है, सब कुछ चलेगा लेकिन ये वाला डेंड्रफ नहीं चलेगा। तो बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? yes, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा, जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, बाकी रख लीजिए अंदर की बात है, बाकी तो आपको जब वॉइस पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात समझ में आ गई तो ये लिख लिया जाए, ठीक है। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, जो YouTube पर देख रहे हैं उनको टाइम दे जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो भाई फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक है, ऐसे नहीं अपने आप ही देखा फिर चले गए, यानी जैसा वीडियो लगा करो तो भाई बताया करो ना, अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है, कमेंट मारो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, और अच्छा लगे तो फिर फ्रेंडों को और शेयर करो ना भाई, आप भी सीखो, सब सीखो, उसके बाद एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करो, अपने फ्रेंडों से पूछो कि भाई क्या आप जानते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप जानते कंप्लीमेंट क्या होता है, आप जानते सब्जेक्ट क्या होता है, आप जानते वर्ब क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानने का प्रयास करना है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है आपको डेली वेज, तो वो इसका भी ध्यान रखना है, वो डेली वेज इसलिए नहीं मिलता होगा कि आपके चैनल आपको ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।